हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूनम राजपूत। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज की वीडियो अगेन मीशो हॉल होने वाली है। मीशो में बहुत ही प्यारा साड़ी हॉल होने वाला है। आज की वीडियो रिव्यू, ट्राई ऑन एंड अनबॉक्सिंग भी होगी। जैसे कि आप लोगों को पता है, अनबॉक्सिंग वीडियो आप लोगों को भी बहुत ज्यादा पसंद आ रही है एंड हम लोगों के लिए भी बहुत सही हो रहा है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों के कमेंट आ जाते हैं कि आपको तो सारे प्रोडक्ट अच्छे मिलते हैं। तो अनबॉक्सिंग में हमने आपको भी दिखाया है कि हमें भी बहुत सारे प्रोडक्ट बेकार मिलते हैं, बहुत सारे ऐसे ऐसे प्रोडक्ट भी मिलते हैं जिनकी एक्सपेक्टेशन हमें नहीं होती है। तो वो जब खराब मिलते हैं ना, तो हम साथ के साथ रिटर्न कर देते थे, आप लोगों को दिखा नहीं पाते थे। लेकिन अनबॉक्सिंग में वो सारा क्लियर आप लोगों के लिए हो रहा है कि आप लोगों को भी पता चल रहा है कि हम ऑर्डर क्या कर रहे हैं, हमारे पास आ क्या रहे हैं। हम लोगों के साथ भी फोटो होता है, वो आप लोगों को देखने को मिल रहा है। बहुत मजा आ रहा है वीडियो करने में हमें भी और आप लोगों को। बस थोड़ा सा हम लोगों के लिए प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि हमें इन सारे प्रोडक्ट को रखना पड़ता है। तब तक हो सकता है किसी प्रोडक्ट की जो है रिटर्न पॉलिसी भी चली जाए और प्रोडक्ट बिल्कुल बेकार मिल जाए, तो हमारे पैसे तो फंस ही जाते हैं। बट इतना है, लेकिन कोई बात नहीं, वीडियो बहुत अच्छी हो रही है एंड आप लोगों को पसंद भी बहुत ज्यादा आ रही है, तो हम इस तरह की वीडियो करते रहेंगे। सभी के लिंक और कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से आप इजीली इनको बाय कर सकते हो। और साथ में इनका जो है मैं भी रिसेल कर देती हूँ, तो जो भी रिसेलिंग प्राइस होगा वो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी। अगर आप रिसेलिंग में लेना चाहते हो तो मुझसे ले सकते हो, मीशो से काफी कम प्राइस होता है। स्क्रीनशॉट लीजिए, मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट डीएम कीजिए और उस साड़ी को आप ऑनलाइन पेमेंट करके बाय कर सकते हो। सीओडी नहीं होगी, उसके लिए मैं पहले ही आपको सॉरी बोल देती हूँ। अभी स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं अपनी फर्स्ट साड़ी। तो फर्स्ट साड़ी है जो है हमारी रेडी टू वियर साड़ी, हमने ऑर्डर की थी ब्लू कलर की, नेट में बहुत ही प्यारी सी साड़ी थी। तो अभी इसको ओपन करके हम देख लेते हैं कि हमें किस तरह की रिसीव हुई है। पिक आप यहाँ पे देख सकते हो, प्राइस वगैरह सब कुछ मैं मेंशन कर दूंगी। तो रेडी टू वियर साड़ी थी और बहुत ही प्यारी थी, और आई थिंक इसका जो ब्लाउज था वो भी स्टिच ही था, बहुत ही प्यारी सी थी। इसमें दो कलर अवेलेबल थे, तो अभी देखेंगे ये रिसीव किस तरह की हुई है। इसको मैं निकाल लेती हूँ। तो साड़ी जैसी मैंने ऑर्डर करी थी सेम उसी तरह की ब्लू कलर की मुझे रिसीव हुई है। अभी ओपन करके इसकी क्वालिटी वगैरह मैं देख लेती हूँ। तो ये जो साड़ी है कुछ इस तरह की है, और इस सबसे पहले इसका ब्लाउज मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, जो कि रेडी टू वियर ही है, मतलब स्टिच ब्लाउज है, सॉरी इस तरह का ब्लाउज है, स्टिच ब्लाउज है, जिस तरह का पिक में लग रहा था इस तरह का। नेट की क्वालिटी ठीक है, ना ज्यादा सॉफ्ट है और ना ज्यादा रफ है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट वाला है नेट मुझे नहीं लग रहा है, ठीक ठीक लग रहा है। ये वाला नेट आई थिंक डिफरेंट है, इस तरह का सीक्वेंस वर्क है, बहुत छोटा वाला सा और इस तरह का, बहुत ही प्यारा सा ब्लाउज, पहनने के बाद बहुत अच्छा लगेगा जिनको फिटिंग के साथ आएगा। मुझे तो ये लूज आते हैं, तो इसलिए मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है इनको पहन के दिखाने में आप लोगों को। स्लीव्स आई थिंक इसमें नहीं मिलती हैं, इसमें स्लीव्स नहीं है, ये आपको विदाउट स्लीव्स ही मिलता है। पैडेड वगैरह, पैडेड ब्लाउज है, पैड की क्वालिटी भी अच्छी है, इनर भी अच्छा सा लगाया गया है, अच्छा है ब्लाउज। एंड थोड़ा सा अल्टर करने के लिए भी आपको है, अगर थोड़ा बहुत टाइट आता है तो आप इसको थोड़ा बहुत खोल भी सकते हो। ये है इसका ब्लाउज जो कि स्टिच हमें मिला है। अब मैं आपको साड़ी दिखा देती हूँ जो कि सेम इसी तरह की नेट में हमें मिलती है, बेल्ट वाली साड़ी है, कुछ इस तरह की साड़ी मिलेगी। ठीक है, ये ऐसे बेल्ट आएगी, यहाँ पे ये प्लीट्स पोर्शन आएगा जो कि ऑलरेडी बना हुआ है इस तरह का, और ये नेट है। आप देखो इस तरह से चेक चेक में ये जो है ना, इसमें सीक्वेंस वर्क करे गए हैं एंड साड़ी पे कोई बॉर्डर वगैरह नहीं है, ऐसे ही कट करके नॉर्मल बनाई गई है, और ये ऐसे करके यहाँ पे हुक लग जाएंगे और आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हो। नीचे से एक चीज मैं बता दूं, ज्यादातर ये साइज का इश्यू होता है ना कि आपकी लेंथ क्या है, तो इसमें नॉर्मल कटिंग है जिसको आप ज्यादा और कम अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। ये नॉर्मल कटिंग के साथ बनाई गई है, आप देख सकते हो, तो जो भी आपकी हाइट है उसके अकॉर्डिंग आप नीचे से कट कर लीजिएगा तो इजिली हो जाएगी, वो इशू नहीं आएगा। इसका जो पल्लू पोर्शन है वो भी आपको फुली स्टिच मिलेगा, कुछ इस तरह से, यहाँ से चौड़ा सा और यहाँ से नेड़ा सा है, पीछे सिर्फ इस तरह का छोटा सा वो लटका हुआ मिलेगा, मतलब सरवर पे रखने का, पूरा पल्लू इसमें नहीं है तो सर पे रखने की तो इसमें नहीं आएगा, सिर्फ ये ऐसे ही पहनने वाली है आपको। तो इसको अगर आप ट्राई करना चाहते हो कर सकते हो, अच्छी है साड़ी, लुक वाइज भी अच्छी लग रही है एंड जैसी पिक में थी ऐसी ही है, कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है और अच्छी लग रही है। इस तरह की रेडी टू वियर साड़ी अगर आपको चाहिए तो आप ट्राई कर सकते हो, दो कलर आई थिंक आपको इसके मिल जाएंगे। और नेक्स्ट साड़ी जो थी हमारी वो आप देख सकते हो यहाँ पे पिक, इसका रेडीमेड ब्लाउज था आई थिंक, और ब्लैक कलर की बहुत ही प्यारी सी साड़ी थी, इस टाइम ट्रेंड में है और इस तरह की साड़ियाँ बहुत ही प्यारी लगती हैं सिंपल सोवर सी। तो अभी इसको ओपन करके मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें रिसीव किस तरह की हुई है। पिक में तो ये बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी, बहुत ज़्यादा। तो इसकी पैकेजिंग, मुझे इस तरह की पैकेजिंग में जो साड़ी आती है ना, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है
और ये पैकेट के अंदर बहुत ही प्यारी सी साड़ी लग रही है और सच में स्टिच ब्लाउज इसके साथ आप देख सकते हो। इस तरह की पैकेट में ये रिसीव हुई है जो मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। इस तरह की पैकेट में रिसीव हुई साड़ी मुझे बहुत ज्यादा पसंद आती है क्योंकि इनको ना बाद में भी रखने में बहुत आसानी रहती है। तो इसको अभी मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। वैसे तो ये मुझे बहुत ज्यादा प्यारी लग रही है पैकेट में। तो साड़ी अगर सबसे पहले मैं इसका ब्लाउज आप लोगों को दिखाती हूँ। फुल स्लीव्स ब्लाउज था, जैसा पिक में था सेम उसी तरह का है। हैवी वर्क के साथ है, धागा सीक्वेंस जरी सब कुछ है इसके ऊपर। इस तरह का सीक्वेंस धागा वर्क है, सारा कुछ वर्क हो रखा है। इस तरह का स्लीव्स, फुल स्लीव्स एंड स्लीव्स पे भी इस तरह का वर्क है, आप देख सकते हो। बहुत हैवी सा फुल स्लीव्स इसके साथ दी हुई है, बहुत ही प्यारी सी दोनों साइड। ये देखो आप, वर्क के साथ फुल स्लीव्स दी हुई है, फ्रंट भी हैवी वर्क के साथ है। तो ये साड़ी जैसी पिक में थी सेम उसी तरह की है। पीछे से इस तरह से प्लेन है और यहाँ पे ये डोरी मिल जाती है आपको, दोनों साइड इस तरह से डोरी मिलेंगी। तो ये बहुत ही प्यारा सा ब्लाउज है। अब इसकी साड़ी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, जिसका क्लॉथ है जॉर्जेट और साड़ी पे, पूरी साड़ी पे ना इस तरह से ये, एक सेकेंड, ये ना बॉर्डर मिल रहा है। ये इस तरह का बॉर्डर आपको पूरी ही साड़ी पे मिल जाता है, ये इस तरह का बॉर्डर आप देख सकते हो। बहुत ही प्यारा सा, इसमें भी बहुत अच्छे से फिनिशिंग करी गई है आप देख सकते हो पास से। और पूरी साड़ी पे यही बॉर्डर मिलेगा दोनों साइड, ऊपर और नीचे, बीच में से साड़ी प्लेन मिलेगी क्योंकि इसका ब्लाउज हैवी वर्क में है। तो साड़ी इसी तरह की अच्छी लगनी थी और बहुत ज्यादा हैवी अच्छी भी नहीं लगती। अब मैं आपको अंदर से बता देती हूँ। तो अंदर से आपको ना सिर्फ 70-80 सेंटीमीटर पीस प्लेन मिलेगा जो कि अंदर आ जाएगा, तो बॉर्डर अच्छे से आपकी साड़ी पे आएगा जो कि अजीब नहीं लगेगा। जो कि बैक से प्लेन आ जाते हैं वो अजीब लगते हैं, वो इसके साथ प्रॉब्लम नहीं होगी। ये साड़ी भी हाईली रिकमेंड पीस है, बहुत ही प्यारी सी साड़ी है, इसको आप जरूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट जो पीस है आप यहाँ पे देख सकते हो, ये चिकनकारी में मैंने साड़ी मंगाई थी क्योंकि बहुत ज्यादा चल रही है इस टाइम चिकनकारी में साड़ी, एंड पार्टी फंक्शन में भी बहुत प्यारी लगती है, समर में तो बहुत प्यारी लगती ही है। तो अब इसको ओपन करके देख लेते हैं। इसमें ना कलर ऑप्शन बहुत सारे थे और मैंने जो मंगाया था वो ब्लैक कलर मंगाया था, और सच में मुझे बहुत ही प्यारी सी साड़ी ये लग रही है। अभी मैं इसको ओपन कर लेती हूँ, एंड बहुत लाइट वेट लग रही है मुझे, ये इतनी लाइट वेट सी है ना, बहुत ज्यादा लाइट वेट है ये। और इसका क्लॉथ जो है जॉर्जेट है, बट बहुत अच्छा वाला क्लॉथ है, बहुत अच्छा वाला। और साड़ी सच में बहुत ज्यादा प्यारी लग रही है, लखनऊ चिकनकारी क्लॉथ उसमें है ये, एंड सच में ये साड़ी मुझे बहुत ज्यादा, बहुत लाइट वेट, मतलब वेट नहीं है इस साड़ी में, और प्राइस के अकॉर्डिंग सच में बहुत ज्यादा प्यारी। ये मैं दिखा रही हूँ आपको पल्लू पोर्शन, इस तरह का ब्लैक पे व्हाइट बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है, एंड हाईली रिकमेंड पीस है ये। बस इसका ये थोड़ा सा ना खाली छोड़ा हुआ है, इस पे थोड़ा सा कुछ बॉर्डर दे देते थे ना तो ये भी हैवी हो जाता, बट ऐसे भी अजीब नहीं लग रही है। बहुत ही प्यारी सी साड़ी है, पास से आप देख सकते हो कितनी अच्छी है। और इस तरह की पूरी साड़ी पे ये वर्क है, आई थिंक फुल पे ही, यस, मतलब मुझे लगा था प्लीट्स पे, हाफ पे नहीं, अपने प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत प्यारी साड़ी, एकदम फुल पे ये वर्क है, ऊपर से नीचे तक पूरी ही साड़ी पे मुझे ये वर्क लग रहा है, पूरी ही साड़ी पे ये वर्क है। सिर्फ अंदर से ना ये जो है इतना पोर्शन, आई थिंक थोड़ा बहुत पोर्शन ही प्लेन आएगा, बाकी बिल्कुल भी प्लेन इसमें नहीं आएगा। क्योंकि जहां तक मैं देख पा रही हूँ, ये इसका ब्लाउज है, ये 80 सेंटीमीटर का ब्लाउज कट हो जाएगा, उसके बाद ये साड़ी अंदर से ही इस तरह की स्टार्ट होगी। हाईली रिकमेंड पीस है, बहुत ज्यादा प्यारी लग रही है। कलर ऑप्शन इसमें आपको बहुत सारे मिलेंगे, लाइक रेड ब्लू इस तरह का, लेकिन मुझे ये बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी। तो ये साड़ी हाईली रिकमेंड पीस है, इसको आप जरूर ट्राई कीजिएगा। आपको भी इस तरह की साड़ी चाहिए ना तो बिना सोचे ले सकते हो, बहुत प्यारी साड़ी इसका जो, और बिल्कुल भी प्लेन पोर्शन इसमें नहीं दिया हुआ है, जो कि बहुत अच्छी चीज है। मतलब सारे पे वर्क दिया है, मुझे नहीं लगा था कि फुल पे ऐसा वर्क मिलेगा। और इसका जो ब्लाउज पीस है वो इसी में अंदर के साइड आपको मिलेगा कुछ इस तरह का, यहाँ से ये प्लेन है और ये बैक और फ्रंट है, इस तरह से वर्क आएगा ब्लैक बैक और फ्रंट पे भी। जॉर्जेट की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, ये भी हाईली रिकमेंड पीस है, इसको भी आप जरूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही ज्यादा प्यारी साड़ी है एंड बहुत ज्यादा मुझे पसंद आई है। अब नेक्स्ट पीस जो हम दिखाने वाली हूं मैं, वो पीस उस तरह का मैंने पहले भी मंगाया था, लेकिन अभी दोबारा से मंगाया दूसरे सेलर से, क्योंकि उस सेलर के पास जैसे ही मैंने दिखाया आउट ऑफ स्टॉक हो गया। वो 400 में साड़ी थी और बहुत ही प्यारी थी, तो सेम साड़ी के लिए मुझे इतने कमेंट आ रहे थे, इतने कमेंट आ रहे थे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो वो साड़ी मुझे एक और सेलर के पास मिली, लेकिन जब तक मैं उसका रिव्यू ना कर दूं मैं आप लोगों को सजेस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो सेम आएगी या नहीं आएगी। जब मेरे पास आ जाती है तो मुझे ट्रस्ट हो जाता है कि सेलर वही भेजेगा। तो वो साड़ी मैंने ऑर्डर करी है, आप यहाँ पे देख सकते हो, एंड ये थोड़ी सी उससे वो थी, वो 400 की थी, ये 470-80 रुपीज की, मतलब 500 आप समझ लीजिए।
उसकी मिली है, तो अब इसको ओपन करके मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि ये रिसीव किस तरह की हुई है। एंड आज का हॉल आप ब्लैक हॉल बोल सकते हो, क्योंकि सिर्फ एक साड़ी ब्लू है, बाकी सारी साड़ियाँ ब्लैक निकली हैं। ओ माय गॉड, तो ब्लैक हॉल भी है ये, ब्लैक साड़ी हॉल। तो ये आप देख सकते हो बहुत ही प्यारी सी, सेम है आई थिंक साड़ी। अभी मैं क्लॉथ वगैरह देख लेती हूँ, वैसे मुझे सेम लग रही है देखने में। हाँ, बहुत ही प्यारी सी साड़ी है, बहुत ज़्यादा प्यारी। इसको मैं ओपन करके आप लोगों को दिखाती हूँ। ये जो साड़ी है कुछ इस तरह की है, लग तो मुझे सेम ही रही है जैसे मैंने पहले मंगाई थी ना, बस इसके और इसके क्लॉथ में मुझे थोड़ा सा अंतर लग रहा है। वो जो था वो जॉर्जेट क्लॉथ में थी, ये जो है ये सीफोन क्लॉथ में है। एंड इस क्लॉथ में ना अंदर से आप देखोगे हल्की हल्की सी ऐसे लाइनिंग है, बट क्लॉथ अच्छा है, इसका क्लॉथ भी बहुत प्यारा है। इस पर आप देखो जिगजैग में बहुत छोटे वाले जो सीक्वेंस होते हैं ना, वो हैं ऐसे जिगजैग करके। तो ये पल्लू पोर्शन के साइड में आप देखो दिखा रही हूँ इस तरह से जिगजैग करके। एंड इसका क्लॉथ भी बहुत अच्छा है, बहुत लाइट वेट सा, उससे भी अच्छा मुझे इसका क्लॉथ लग रहा है। थोड़े से प्राइस में अंतर है, लेकिन इसका क्लॉथ बहुत ज़्यादा अच्छा है, जैसा उसका था ना सेम, उससे भी ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो ये साड़ी इस तरह की, पूरी साड़ी पे इस तरह का वर्क है ये। तो ये साड़ी सच में उस प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत ही प्यारी सी साड़ी है। और ये अंदर से अगर मैं बात करूँ ना, तो इसमें सिर्फ अंदर से थोड़ा सा पोर्शन ज्यादा प्लेन मिलता है, जो कि एक मीटर और इतना पोर्शन प्लेन मिलेगा। उसके बाद ये फुल पे ये सीक्वेंस वर्क स्टार्ट हो जाएगा, और सीक्वेंस भी ना बहुत छोटे वाले हैं, गोल्डन कलर की, बहुत ही प्यारी सी साड़ी लगी। तो हाईली रिकमेंड पीस है, उससे क्लॉथ थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन साड़ी बहुत ज्यादा प्यारी है, इसको आप ट्राई कर सकते हो, बेस्ट पीस है। इसका ब्लाउज मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, जो कि प्लेन जॉर्जेट का क्लॉथ मिलेगा, अलग से मतलब कुछ वर्क वगैरह नहीं है, लेकिन भाई 500 की है ओनली, तो सीक्वेंस वर्क में तो आप ले सकते हो। ये आप देखो, ये 89-90 सेंटीमीटर ब्लाउज पीस है, इजिली आपका ब्लाउज बन जाएगा, अलग से भी आप बनवा सकते हो बहुत अच्छा सा इसके साथ ब्लाउज, बट साड़ी हाईली रिकमेंड है, बहुत ही प्यारे से पीस है। तो इन सब के रिसेलिंग प्राइस भी मैंने साथ में डाल दिए, मीशो के कोड और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से भी आप बाय कर सकते हो। सारे ही पीस आज के बहुत अच्छे निकले हैं, तो आपको इनमें से कौन सा पीस आप लोगों को पसंद आया है, मेरी चॉइस आप लोगों को कैसी लगी, प्लीज भर भर के कॉमेंट कीजिए। आप लोगों के कॉमेंट मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, एंड आप लोगों का जो प्यार मिलता है, तो नेक्स्ट वीडियो और भी आने की मैं ट्राई करती हूँ। मैं सोचती हूँ कि मेरी वीडियो इतनी पसंद आ रही, तो मैं और ज्यादा सर्च करके लाऊं, तो इसलिए प्लीज अगर आप अच्छी अच्छी वीडियो चाहते हो ना, तो बहुत सारे कमेंट कीजिएगा, तो मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आऊंगी। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में इतने सारे कमेंट कर दीजिए कि नेक्स्ट वीडियो इससे भी ज्यादा अच्छी मैं लेके आ जाऊं, मेरे अंदर इतनी एनर्जी आ जाए। तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। मिलूंगी आपसे एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय बाय।